नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा झारखंड में आने वाली नई भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। क्या क्या बहाली आने वाली है और कब तक आएगी और महिलाओं का क्या आरक्षण रहेगा, फ्रेंड्स इसमें फुल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में बेल घंटी को भी दबा दें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा फॉरेस्ट गार्ड संबंधित न्यू भर्ती बहाली के बारे में, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 01 विज्ञापन 2019 ANM में आ गई है और 02 विज्ञापन ANM बैकलॉग बहाली आ गई है, ठीक है। और 03 विज्ञापन 2019 इनका भी विज्ञापन CGL के रूप में जारी कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि 04 में क्या आने वाली है और 05 में क्या आने वाली, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैसा कि चुनाव अभी सामने ही खड़ी है, ठीक है, और महीने के अंत तक में आचार संहिता भी लागू होने जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनका जो बहाली है फॉरेस्ट गार्ड 04 विज्ञापन के आने में बहुत ज़्यादा उम्मीद है 2019 के रूप में फ्रेंड्स, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड आने की चार जो कि रघुवर दास 5 जून 2018 को घोषित की गई थी कि 2000 पदों पर बहाली आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 2000 पदों पर बहाली नहीं आएगी। इनका क्या कारण है तो मैं इनको इन पे भी बताऊंगा। तो दोस्तों जो इनका जो कारण है वो फॉरेस्ट गार्ड में 2 से 3 पद पे रहेंगे, ठीक है, जो अलग अलग पोस्ट रहेंगे, रेंजर ऑफिसर, सिपाही भर्ती, ठीक है, हवलदार भर्ती, तो अलग अलग कोटिवार निकाली जाएगी, जो कि रिक्तियों की संख्या 600-700 करके बहाली 3 बार आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड की बहाली। तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताया गया था कि CGL में कब विज्ञापन जारी होगा, उन्हीं के अनुसार जारी हुआ, 110% सटीक हुआ। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि CGL का वीडियो में कब बताया था और कब आया, वो लगभग जैसा कि मैंने अपने डेट लिया था वही से पहले ही आ गए CGL की भर्ती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इनका जो भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड सिपाही भर्ती वो शनिवार तक कभी भी जारी कर दिया जाएगा JSSC द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र के मुझे पता चला है जो सटीक है और सही भी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो विज्ञापन जो जारी की गई थी, जो अगली बार जो फॉरेस्ट गार्ड की बहाली आई थी 2204 पदों पे बहाली आई थी, ठीक है, जो विधानसभा 2014 चुनाव से 1 महीना पहले विज्ञापन जारी की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो फुल नोटिफिकेशन है मेरी पूरी तरह संभावना है कि शनिवार तक जारी कर दी जाएगी। इनकी जो आरक्षण जो रहेंगे फ्रेंड्स, उनमें कोई महिलाओं का आरक्षण नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे उत्पाद सिपाही की बहाली हुई थी और स्पेशल ब्रांच का, वैसे ही बहाली इनमें भी है, ठीक है, कोई स्पेशल रिजर्व नहीं है महिला के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जो पिछले जो बहाली थी उनमें PT और मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था, PT और मेंस दो एग्ज़ाम हुए थे, PT में 1 पेपर और मेंस में 3 पेपर हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, इनमें जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 पेपर में आपका एग्ज़ाम होंगे और एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये जो बहाली थी फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर बहाली थी, जो कि बहुत लड़कों को स्टार पहनाया गया था फॉरेस्ट गार्ड की बहाली में, ठीक है, सिंगल स्टार पहनाया गया और हवलदार के रूप में उन्हें नामित किया गया था। तो दोस्तों वो भी बहाली आने वाली है झारखंड में, ठीक है। जैसा कि अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी चुनाव है इस सप्ताह, पंचायत सचिव भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। जैसा कि पंचायत सचिव का भी रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन पंचायत सचिव भी आने की पूरी संभावना है और आईटीआई वालों के लिए भी खुशखबरी है, इनका भी बहाली जल्द आने वाली है, ठीक है। जो राज्य सरकार आप लोगों के लिए चुनाव से पहले बहुत तोहफा देने जा रही है, जो कि आप मान सकते हैं ये जुमला कहे या जो विधानसभा चुनाव से पहले आप जो कहे इसको जुमला या जो कहे, तो आप लोगों के लिए अच्छी है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाए फ्रेंड्स,
जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो 2014 में जो फॉरेस्ट गार्ड आई थी वो बहुत विवादित रही थी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बहाली है और सुंदर बहाली है, तो आप अभी से मजबूती के साथ तैयारी में लग जाए फ्रेंड्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन बहाली आने वाली है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल में बने रहें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।